Assalamualaikum. आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास सेकंड ईयर फिजिक्स पेपर पैटर्न पेयरिंग स्कीम एंड गेस्ट पेपर चैप्टर है आपके पास 12 से लेकर 21 तक, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यूज, जिससे आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स, और जिसमें से आपसे पूछा जाएगा एग्जांपल्स. अब कहां से पूछा जाएगा, क्यों पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने लिसन टू मी बी केयरफुली. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैक क्वेश्चंस को, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग को, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स को, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को. ठीक है, तरतीब से चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 21 तक सारा कुछ डिस्कस करेंगे. रहना आपने हमारे साथ, और अपने साथ रख लीजिए कोई बिस्किट, कोई केक रस, कोई खाने पीने वाली अशिया, जिससे आप साथ साथ खाते रहे. वीडियो में भी हमारे पास लेंथी है, काम हमारे पास बहुत ज्यादा है, टाइम की शॉर्टनेस बहुत कम है. ध्यान से सुनना शुरू करते हैं. सबसे पहले देखें, आपके पास टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स हैं सर, मैडम आपके पास कितने? 85 के मजीद डिवीजन कैसे है? सबसे पहले एमसीक्यूज़, सबसे पहले आएगा आपके पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपके पास कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे? ऊंची बात से बोलें जरा, 17 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे. कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे? 17 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे. इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा? इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव पार्ट. सब्जेक्टिव पार्ट में एक होगा आपके पास सेक्शन 1, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस. इसके बाद होगा आपके पास सेक्शन 2. सेक्शन 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा? सेक्शन 2 में आपसे पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन. अब लॉन्ग क्वेश्चन किस किस किस्म के होंगे? एक होगा आपके पास थ्रेटिकल पोर्शन, एक होगा आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन, और एक होगा आपके पास एग्जाम्पल वाला पोर्शन. ठीक है, थ्रेटिकल पार्ट आएगा तो वो होगा आपके पास 5 नंबर का, और अगर आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तो वो होगा आपके पास 3 नंबर का, और टोटल मिला के आपके पास हो जाएंगे 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन. और शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास कितने मार्क्स के आएंगे? 44, यानी कि 44 नंबर दे ताड़े को शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके पास 24 मार्क्स के, और 17 नंबर के आएंगे आपके पास एमसीक्यू. जो टोटल करके कितने हो गए आपके पास? टोटल करके हो गए आपके पास 85. तो कहने का मेरा मतलब क्या है? कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरे पास 85 नंबर के टोटल पेपर आ गया. आ गया जी, आ गया पेपर. कितने नंबर का आ गया? 85 मार्क्स का टोटल पेपर आ गया. आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल मैथ की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने का तरीका है वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें. जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे उसी के साथ बेल आइकन शो होगा, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें. इसका मतलब यह है कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा. यार YouTube पर अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो हमारी वेबसाइट मैथ की दुनिया को लाजमी विजिट करें और दोस्तों के साथ. जी अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को, इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को. ठीक है, पहले हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की. सबसे पहले आपके पास आएगा एक क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव पोर्शन में. अब इसके कितने पार्ट्स होंगे? इसके आपके पास टोटल मेरा ख्याल है कितने पार्ट्स होंगे आपके पास टोटल? जी 12 पार्ट्स होंगे, जिसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास कितने पार्ट्स आएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास टोटल 12 पार्ट्स आएंगे. ठीक है, अब ये टोटल 12 पार्ट्स कहां कहां से आएंगे? ये आएंगे आपके पास चैप्टर नंबर 12 में से, चैप्टर नंबर शायद 14 में से, और चैप्टर नंबर 15 में से. ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 14 के भी टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 15 के भी टोटल हमारे पास 4 छोटे छोटे सवाल आने हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये आएंगे आपके पास चैप्टर नंबर 12 में से. चैप्टर नंबर 12 में से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं. अब ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आने हैं? सुन लें, किसी जगह पे लिख लें, किसी पेज पे लिख लें, किसी हाथ के ऊपर लिख लें, किसी कॉपी के ऊपर लिख लें. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बैक शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है बैक शॉर्ट क्वेश्चन. आपके पास कह सकते हैं 75%
ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 25% इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों को ही बोलूंगा। हाथ सुटो ये चीज। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वन ईच अदर वाई, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं ना ये हमारे पास होंगे बैक शॉर्ट क्वेश्चन, जब मैं बोलूं इनर शॉर्ट क्वेश्चन तो वहां से इनर वाले होंगे, यानी कि बुक के अंदर से उन्होंने दिए होंगे। अ चार्ज पॉइंट मूव्स एट टेन लीयर पार्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक लाइन्स ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। इसके पास ठीक लग रही है ना जी, थैंक यू जी। इलेक्ट्रिक ट्रेंड टू गो डिजन, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चन की। इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले है डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसके बाद हमारे पास डिफाइन जीरोग्राफी एक्सोग्राफी एंड फोटो कंडक्टर, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स गैसियोसिस सरफेस स्टेट एंड राइट फार्मूला गैसेस लॉ, ठीक है। ये हमारे पास हो गए इनर शॉर्ट क्वेश्चन, यह कवर करेगा आपके पास चैप्टर नंबर 12 के बैक शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए और इनर शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। याद रखें इन 12 पार्ट में से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं, इन 12 पार्ट में से आपने सिर्फ 8 सवाल हल करने हैं। मींस अगर आप चैप्टर 12 और चैप्टर 14 को ही अच्छे तरीके से कर लें, यू विल डन क्वेश्चन नंबर 2। 1 2 3 4 ये आएगा चैप्टर नंबर 14 में से, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 कितने कैरी करेगा शॉर्ट क्वेश्चंस आपके, चैप्टर नंबर 14 कैरी करेगा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन द सेंस ऑफ बैक शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले है इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सेम रीजन ऑफ स्पेस कैन यू से दैट मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज जीरो, इसके बाद हमारे पास क्या है डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड कैरिंग अ स्टडी। यहाँ पे हो गए हमारे पास इंपॉर्टेंट बैक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। बैक शॉर्ट क्वेश्चन 75% इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इनर शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं इनर शॉर्ट क्वेश्चन की। डिफाइन टेस्ला राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, डिफाइन मैथमेटिकल फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विद यूनिट, डिफाइन एम्पीयर लॉ एंड राइट इन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ पे हो गए हमारे पास इनर शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ 14 चैप्टर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। चैप्टर नंबर 15 आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 को ही अच्छे तरीके से कर लें तो आपके 8 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसा होता है कि नहीं भी कर पाते तो चैप्टर नंबर 15 के भी मैं आपको बता देता हूं। चैप्टर नंबर 15 के बैक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू चार्ज टू चेंज द बोथ ऑफ एरिया लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल नॉट हैव इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, एक्सप्लेन ब्रीफली, थोड़ा सा बताएं। डज द इंक्लूड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। इसके बाद यहां पे हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के बैक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करते हैं इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की। डिफाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, राइट टू मेथड टू चेंज फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, डिफाइन मोशनल ईएमएफ गिव इट्स यूनिट्स, डिफाइन फैराडे एंड लेंसेज लॉ। यहां पे हो गए हमारे पास इनर शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 15 के, ठीक है। यहां पे हो गए हमारे पास 1 2 3, ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 15 के, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये इस तरह लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखें, अब क्वेश्चन नंबर 3 इस ये कहां कहां से आएगा, 13 आएगा, 16
13 आएगा, 16 आएगा, 17 और 18, ये आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 13 में से, चैप्टर नंबर 16 में से, चैप्टर नंबर 17 में से एंड चैप्टर नंबर 18 में से, चैप्टर नंबर 13 में से, चैप्टर नंबर 16 में से, चैप्टर नंबर 17 में से, चैप्टर नंबर 18 में से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पार्ट्स आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 12 पार्ट्स आएंगे, कहां-कहां से आएंगे, ये आएंगे चैप्टर नंबर 13 में से, चैप्टर नंबर 16 में से, चैप्टर नंबर 17 में से, चैप्टर नंबर 18 में से। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट, चैप्टर नंबर 13 के कितने आएंगे, तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3, ये आएंगे आपके पास चैप्टर नंबर 13 में से। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं आपके पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन में, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉपर वायर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द डिफिकल्टीज टू टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ द लाइट बल्ब ओबे ओहम्स लॉ। ये हमारे पास है बैक शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो इनर शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन कन्वर्जनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, राइट द नेम्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ करंट, डिफाइन ओहम्स लॉ, आल्सो डिफाइन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। यहां पे हो गए हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के इनर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 की, चैप्टर नंबर 16 से भी कितने कह रही होंगे, 1 2 3, ये आएंगे चैप्टर नंबर 16 में से भी हमारे पास तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर 16 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं आपके पास जी आगे, चैप्टर नंबर 16 के जो बैक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास, नेम द डिवाइस दैट विल परमिट फॉलो एंड डायरेक्ट करंट बाय अपोज द फॉलो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहां पे हो गया अ करंट हैज आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 ओम, व्हाट इज द पीक वैल्यू। यहां पे हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज मीन बाय फेज डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय द फेज ऑफ एसी। जी अगर आपको सेकंड ईयर सब सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी और मैथ्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड ईयर फिजिक्स के गेस्ट पेपर 2020। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 12 के हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बैक के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट इनर एमसीक्यूज़ हैं। इसके बाद हम लास्ट वाले चैप्टर की बात करते हैं, लास्ट वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सेकंड ईयर केमिस्ट्री गेस्ट पेपर 2020, जिसमें हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं। देख सकते हैं आप चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट वाले चैप्टर की, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। याद रखें कंप्यूटर साइंस में आपके पास एक सी लैंग्वेज है और एक है डेटाबेस। ठीक है, बायोलॉजी ये देखिए हमारे पास बायोलॉजी के भी गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं। चैप्टर नंबर 1 के देख लें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 को देख लें, चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कंप्यूटर साइंस में आपके पास एक बुक है सी लैंग्वेज की और एक बुक है आपके पास डेटाबेस की। ये देख लें आप चैप्टर नंबर 1 डेटाबेस का, उसी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 को देख लें डेटाबेस के। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं सी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लें, चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। इसके बाद सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश में हम किसकी किसकी बात करेंगे, ट्रांसलेशन आपके पास नहीं आएगी। इसके बाद उर्दू टू इंग्लिश का पैराग्राफ आएगा, एमसीक्यूज़ में सिनोनियम्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जगह हमारे पास आएगा ऐसे, इसके बाद हमारे पास आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हीरोज हैं, मिस्टर चिप्स हैं। सबसे पहले देख लें आप हमारे पास ये है चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, फिर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 2 देख लें, चैप्टर नंबर 3 देख लें, इसके बाद हीरोज के चैप्टर नंबर 1 देख लें, इसके बाद मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 1 देख लें, चैप्टर नंबर 2 देख लें, चैप्टर नंबर 3 देख लें,
इसके बाद idioms देख लें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं, हमारे पास उर्दू पाक स्टडी के गेस्ट पेपर भी अवेलेबल है। लास्ट में हम बात करते हैं सेकंड ईयर मैथ्स गेस्ट पेपर 2020। सेकंड ईयर में सिर्फ आपके पास टोटल 7 चैप्टर हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हमारे पास टोटल चैप्टर हैं? 1, 2, आपके पास टोटल 7 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 2 को देख लें, चैप्टर नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी के शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, उसी के लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। लास्ट में हम बात करते हैं चैप्टर, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट वाले चैप्टर नंबर 7 की वेक्टर्स की, शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, ठीक है। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं सब सब्जेक्ट्स के। अगर आपको इन सब सब्जेक्ट्स से तैयारी करनी है तो यू विल गेन 1000+ मार्क्स इन सेकंड ईयर, ये देख लें। अगर आपको इन सब सब्जेक्ट्स को अपने घर अभी मंगवाना है तो इस नंबर पर ऑर्डर दीजिए, विद इन 2 डेज TCS वाले आपके घर ये नोट्स पकड़ा के जाएंगे। इन नोट्स की जो टोटल प्राइस है वो है हमारे पास 950 रुपीज, ओनली 950 रुपीज, जिसमें TCS के तमाम चार्जेस शामिल हैं। अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा मुस्तकबिल में। अगर आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो तो इस नंबर पे लाजमी कॉन्टेक्ट कीजिएगा। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है सेकंड ईयर गेस्ट पेपर 2020 का लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। पास न्यूक्लियर फिजिक्स, व्हाट आर आइसोटोप्स, ये बैक शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट डू यू मीन इन कॉमन, व्हाट इज हैवी न्यूक्लियर अनस्टेबल, एक्सप्लेन। If you solo on a source on beta source, what would be the dangerous to you, आपके लिए क्या चीज खतरनाक होगी। इसके बाद हम बात करते हैं inner short questions की। Define mass defect and binding energy, how much energy is released when AMU is converted into energy। यहाँ पे होगी हमारे पास short questions की बात, in the sense of 21 chapter। इसके बाद हम बात करते हैं long questions की। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास एक आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का एक होगा ए और एक होगा बी पार्ट। इसके बाद अगर होगा एक होगा क्वेश्चन नंबर अपना 6 का ए और बी पार्ट, एक होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट, एक होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट, एक होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी पार्ट। याद रखें, याद रखें, इस क्वेश्चन की पेयरिंग वो इस तरह करेगा कि अगर एग्जामिनर एक थ्रेटिकल पोर्शन देता है, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है, तो उसके साथ वो एक चीज का प्रबंध है कि उसके साथ आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा, ठीक है, या न्यूमेरिकल देगा या फिर उसी चैप्टर में की मे भी एग्जाम्पल दे सकता है। अगर एग्जामिनर ने न्यूमेरिकल पहले दे दिया या एग्जाम्पल पहले दे दी तो फिर वो इस चीज का पाबंद है कि उसने अब थ्रेक्टिकल पोर्शन देना है, ठीक है। याद रखें, अगर थ्रेक्टिकल पोर्शन आया है तो वो कैरी करेगा आपके 5 नंबर्स, और अगर आपके पास न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल आया है तो वो कैरी करेगा आपसे 3 नंबर, ठीक हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी न्यूमेरिकल्स प्लस एग्जाम्पल्स की, तो ये कैरी करेंगे 3 मार्क्स, एंड थ्रेक्टिकल अगर पोर्शन आता है तो वो कैरी करेंगे आपसे 5 नंबर, ठीक है। अब ए और बी पार्ट ये कहां से आएगा, ये आएगा आपके पास चैप्टर 12, ये आएगा चैप्टर 13, ठीक है। अब चैप्टर 12 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर 12 और चैप्टर 13, ये बनेगा आपके पास, मैं पहले हाँ चैप्टर 12 एंड 14, ये बनेगा 14 एंड मेरा ख्याल है 15, ये बनेगा 16 एंड 18, ये बनेगा 17 एंड 19, और लास्ट में आएगा 20 एंड 21। ये पेयरिंग होगी हमारे पास 2019 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की। यहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 का, व्हाट इज गैसेस लॉ। ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, थ्रेटिकल पोर्शन की बात कर रहा हूँ। फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ अ चार्ज, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट। और इसके बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन कैपेसिटेंस, ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से अगर एग्जामिनर थ्रेटिकल पोर्शन देगा तो 100% चांस है चैप्टर नंबर 13 के आपके पास क्या आएंगे, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन में भी यहाँ से आपके पास आ जाए, में भी आ सकता है न्यूमेरिकल के आने के ज़्यादा चांसेस हैं और यहाँ पे थ्रेटिकल के आने के ज़्यादा चांसेस हैं इन द माई व्यू पॉइंट,
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 में, 12.4 वाली एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है वो है 12.4, 12.5, 12.7 एंड 12.12, ठीक है, आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है, फाइंड द करंट विच फॉलो इन ऑल रेजिस्टेंस ऑफ करंट ऑफ फिगर बिलो व्हाट इज मीन्ड बाय व्हीट स्टोन ब्रिज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करके जाइएगा। व्हाट इज पोटेंशियल मीटर गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड हाउ कैन बी यूज टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ अ कॉइल। और इसके साथ एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13.1, 13.2, 13.3 और न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है 13.1 एंड 13.5 की। ठीक है, ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठ।